अगर आपकी जिंदगी में कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये ऐसे ही है जैसे आप रेत के ऊपर बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो आप कितनी भी मेहनत से कितने भी अच्छा मटेरियल लगा के बना लो, बट फिर भी आपको हमेशा ये डर रहेगा कि आपकी बिल्डिंग गिर जाएगी। या फिर बिना कॉन्फिडेंस के लाइफ जीना ऐसे ही है जैसे एक ईगल जो उड़ने से डरता है, जबकि ऑन द अदर हैंड अगर आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस होगा तो ये चीज ऐसी है जैसे आपकी गाड़ी की टंकी फुल है और आप हाउ मच कॉन्फिडेंस इज इम्पोर्टेंट, जहाँ चाहे वहाँ अपनी गाड़ी को लेके जा सकते हो, अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हो। या फिर अगर आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस होगा तो ये ऐसा ही है जैसे आपकी शिप में एक बड़ा सा एंकर होना, जो कितना भी तूफान आ जाए आपको स्टेबल रखेगा, स्थिर रखेगा। बट हाँ, ये एंकर अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए तो वो ओवर कॉन्फिडेंस करके आपकी नया डुबा भी सकता है। बट फिक्र मत करो, यूजुअली लोगों के जो एंकर होते हैं ना कॉन्फिडेंस के, वो बहुत छोटे होते हैं। लेकिन एकदम सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, मैं पहले अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट इंसान था। मुझे हर चीज से बहुत ज्यादा डर लगता था, लोगों से बात करने, कोई भी चीज करने। लेकिन जब मैंने अपने कॉन्फिडेंस पर काम करना स्टार्ट किया, अपने एंकर को बड़ा बनाया, स्ट्रांग बनाया, तो ये ट्रस्ट मी, ये एक सिंगल चीज की वजह से ना मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव करी। मैं अपना चैनल क्रिएट कर पाया, ऐसे वीडियोस क्रिएट कर पाया, बहुत से लोगों के ना बोलने के बाद भी वो एक्शंस ले पाया जो एक्चुअल में मुझे लेने थे, और वहीं से पूरी मेरी जिंदगी चेंज हुई। और ये सारी चीजें से मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी बड़ा करना है ना, ट्रस्ट मी, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड होने के बाद भी चीजें नहीं कर पाओगे। जैसे कि आपने सुना, धोनी भी यही बोल रहे थे। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 11 ऐसी हैबिट शेयर करने वाला हूँ जो आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। ये आपके एंकर को ही नहीं, 11 हैबिट्स टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, बल्कि आपकी पूरी शिप को भी बड़ा बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक से ये हैबिट्स को निकाला है, आप लोगों के लिए बनाया है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप इस वीडियो की बातों को सीरियसली समझ लोगे और थोड़ा भी अप्लाई कर दोगे ना, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को 10x बढ़ा सकता है, जो इनडायरेक्टली आपके लाइफ के रिजल्ट्स को बढ़ा सकता है। बट ये सब बताने से पहले एक कॉन्फिडेंस का टेस्ट ले लेते हैं, देखते हैं कि अभी राइट नाउ आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। अभी मैं आपसे कुछ 1112 क्वेश्चंस पूछूंगा, जिसमें कॉन्फिडेंस टेस्ट आंसर सम क्वेश्चंस टू नो योर कॉन्फिडेंस लेवल से देखते हैं कितने में आपके आंसर यस आता है, जो बेसिकली टोटल बताएगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। ठीक है, स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, यू फाइंड योरसेल्फ कंपेयरिंग विद द प्रोग्रेस ऑफ अदर्स एंड फील लैगिंग बिहाइंड, क्या आप सोशल मीडिया पे दूसर के अचीवमेंट्स देखते हो या फिर रियल लाइफ में दूसरों के अचीवमेंट्स देखते हो और बुरा फील करते हो अपनी खुद की प्रोग्रेस पे सेलिब्रेट करने के बजाय? आपको डिसजमेंट लगता है, कैसे आप लाइफ में पीछे होते जा रहे हो और दूसरे आगे बढ़ते जा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप गुड इनफ नहीं हो, आप कितना भी ट्राई कर लो आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो जिंदगी में? जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया, आपने उसको फिनिश भी किया, बट वो करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि यार इतना अच्छा भी नहीं हुआ, या फिर लोग उस काम से इम्प्रेस नहीं होंगे? नेक्स्ट, क्या आप किसी नए ग्रुप में जाते हो, लोगों से बात करना अवॉइड करते हो, या फिर पुराने ग्रुप में भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने से हिचक छट होती है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्रुप कन्वर्सेशन में हो तो आप अपने आइडियाज को, अपने ओपिनियन को अपने तक ही रखते हो, आपको ऐसा लगता है कि यार अगर मैं अपना आइडिया बोलूंगा तो सिली, या फिर वो लोग रिजेक्ट कर देंगे आपके आइडिया को? नेक्स्ट, क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता है आप ऐसे जिंदगी बिता रहे हो जैसे आपको बितानी नहीं है, आप घुट घुट के जी रहे हो, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या फिर जैसा आपको जीना है वैसे नहीं जी पा रहे हो जिंदगी? नेक्स्ट, क्या आप कभी किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हो और उसके बाद कशन खत्म हो गर्द है, फिर भी आपके दिमाग गई है, फिर भी आपके दिमाग में चीजें चलती हैं कि यार आपको ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए था चीजें, या फिर ऐसे नहीं वैसा बोलना चाहिए था? आप उस कन्वर्सेशन को रिप्ले करते हो, और कई बार तो शायद आपको ऐसा भी लगता है कि मैंने कुछ ऑकवर्ड या गलत तो नहीं बोल दिया? नेक्स्ट, क्या आप कई बार अपने आप को ऐसा बोलते हो, अभी नहीं कभी और करूंगा ये चीज को? एग्जाम्पल, आपको कोई न्यू हॉबी, कोई न्यू जॉब या कुछ तो करना है जो आपने बहुत टाइम से सोचा है कि आप करोगे, बट स्टिल आप उसको पोस्टपोन करते रहते हो बिकॉज आपको लगता है कि आप अभी रेडी नहीं हो? क्या आपको लगता है कि आपको परफेक्ट होना पड़ेगा तभी लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, उसके लिए आप परफेक्टली तैयार होते हो, परफेक्टली हर एक चीज करते हो, या बेसिकली फ्लॉस दिखने की कोशिश करते हो? क्या आप कॉम्प्लीमेंट पर अगर किसी ने आपको बोला कि तूने बहुत अच्छा काम किया है तो आप बोलते हो कि अरे नहीं नहीं कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी? आप इमीडिएटली डाउन प्ले करने लग जाते हो और आपको ऐसा लगता है कि आप डिजर्व नहीं करते हो वो एप्रिसिएशन? क्या आपको ऑकवर्ड या फिर इनएडिक लगता है सोशल सिचुएशंस में? जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप किसी पार्टी में जाते हो, कहीं रिश्तेदारों के यहाँ जाते हो, तो आप आउट ऑफ प्लेस आपको
फील होता है आप यूजुअली ट्राई करते हो कि आप बैकग्राउंड में रहो और आपके ऊपर स्पॉटलाइट ना आए, क्या आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, क्या आप ओवरथिंक करते हो कोई भी डिसीजन लेने से पहले, क्या आपको रिजेक्शन से डर लगता है, अगर आपको कोई इंसान ना पसंद करे या कुछ बुरा बोल दे तो आपको उससे बहुत इफेक्ट होता है, क्या आपको बार्गन करने से डर लगता है, ऑकवर्ड लगता है ना। ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, अगर इसमें आपने 7 या उससे ज्यादा क्वेश्चंस पर हाँ बोला है तो आपको अपने कॉन्फिडेंस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगर आपके 4 से 7 के बीच में यसा है तो आप मॉडरेटली कॉन्फिडेंट हो, या अगर आपके 3 या 3 से कम आए हैं तो आप कॉन्फिडेंट इंसान हो, लेकिन देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अब आपका स्कोर जो भी आया है आप चाहिए तो कमेंट कर देना, बट नहीं भी करोगे तो भी फिकर नहीं है, आप बस ट्राई करो कि आज के इस वीडियो को एंड तक देखो और जरूर अपने कॉन्फिडेंस पे काम करो, क्योंकि ये सिंगल एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आप अपनी लाइफ में इम्प्रूव करोगे तो आपको सिग्निफिकेंट रिजल्ट देखने मिलेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। माया नाम की एक लड़की थी जिसका फैमिली बैकग्राउंड काफी वीक था, मतलब फाइनेंशियली एक्सप्रेस, और फाइनली उसे एक जॉब लग गई थी एक वेल नोन टेक कंपनी में। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ साल उधर बहुत मेहनत से काम करने के बाद भी उसको सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, उसे ज्यादा प्रमोशन नहीं मिल रहे थे, सैलरी हाइक नहीं मिल रही थी, और सारी रीजन की वजह से उसे लग रहा था शी इजन गुड इनफ। उसे लोग पॉजिटिव फीडबैक तो देते थे बट वो हमेशा वरी करते रहती थी कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। मीटिंग में माया के पास बहुत सारे आइडियाज होते थे बट हमेशा वो बोलने से घबराती थी कि कहीं वो कुछ गलत ना बोल दे, और वो हमेशा एक्सपीरियंस कलीग के सामने उसे इम्पोस्टर जैसा फील होता था। उसे लगता था कि वो कुछ और बनने की कोशिश कर रही है, ऑफिस में कोई कुछ बात हो जाए तो घर आने के बाद उस कन्वर्सेशन को रिपीट टेलीकास्ट पे चलाती थी, अपने दिमाग में चीजों को ऑकवर्ड एंड प्रिपेयर्ड होने से डरती थी। वो हमेशा सेल्फ डाउट के स्पाइरल में उलझी हुई रहती थी जिससे उसे बहुत एग्जॉस्ट फील होता था। वो देखती थी कि कैसे उसके बाद जो लोगों ने ज्वाइन किया था वो लोग भी उससे बेटर करने लग गए थे बट वो पीछे जाती जा रही थी। अगर उसके सामने कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता या दिखता कि कंपनी में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया है तब वो अपने आप को ये बोलती कि वह अभी रेडी नहीं है, और जब सही टाइम आएगा तब वो बड़े प्रोजेक्ट लेगी। वो परफेक्शनिस्ट के पीछे बहुत भागती थी, हेसिटेशन करती थी अपने काम करने में, या काम को टाइम में खत्म कर पाने पे उसका मैनेजर उसे कॉम्प्लीट तो करता था बट वो उसे ब्रश ऑफ कर देती थी कि ये बस ऐसे ही कुछ बोल रहा है। वो चीजों को कभी भी लीड करने से डरती थी और हमेशा दूसरों को आगे जाने बोलती थी। प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए सोशल इवेंट भी होता तो हमेशा कहीं बैकग्राउंड में अकेले रहना पसंद करती और लोगों से ज्यादा बात भी नहीं करती थी, और अगर गलती से वह कुछ अच्छा अंक्स कर भी लेती तो वो बोलती कि ये तो बस किस्मत का खेल था, या फिर ये टीम मेंबर नहीं होता तो वो ये चीज नहीं कर पा पाती, और यह हलने की वजह से नहीं था, यह एक अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से था बिकॉज उसे खुद पर भरोसा नहीं था। अब बात यह थी कि कंपनी में ले ऑफ चालू होने वाले थे, कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा खराब चल रहा था, और माया को कहीं से पता चला था कि शायद ले ऑफ में उसका नाम भी आ सकता है, और इस चीज ने उसको बहुत ज्यादा टेंस कर दिया था, क्योंकि बात ये थी घर के सारे खर्चे माया की सैलरी से ही चल रहे थे। माया को इस टेंशन में देखने की वजह से श्रद्धा जो उसकी फ्रेंड होती है वो उसको अप्रोच करती है ना। श्रद्धा को यह एकदम अच्छे से पता होता है कि कैसे माया बहुत कैपेबल है और उसका नाम ले ऑफ में नहीं आना चाहिए, बट वो आ चुका होता है। श्रद्धा ने उसे कई बार समझाया भी होता है कि माया तुमको अपने कॉन्फिडेंस में काम करना चाहिए, पर बहुत समझाने के बाद भी माया ने उसकी बात को कभी गौर से समझा नहीं, इसलिए श्रद्धा फाइनली डिसाइड करती है कि वो माया को लेके जाएगी डॉक्टर बुक के पास। वो माया को बोलती है कि एक डॉक्टर है जो बहुत ही फेमस है, जो लाइफ के बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के सलूशन सिंपल वर्ड में दे देते हैं, बुक्स के रेफरेंस है, और मुझे पता है रमाया तुम्हारी भी जो प्रॉब्लम है वो तुमको शायद अभी बहुत बड़ी लग रही होगी, बट डॉक्टर बुक इन वीडियो तुम्हें जो सलूशन ना उससे पक्का तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब माया के पास ज्यादा कुछ ऑप्शन तो होता नहीं है, और वह श्रद्धा की काफी रिस्पेक्ट भी करती है क्योंकि श्रद्धा काफी डिसिप्लिन लड़की रहती है, इसलिए वो उसके साथ चले जाती है डॉक्टर बुक के पास। नाव माया की सारी सिचुएशन श्रद्धा डॉक्टर बुक को समझाती है, जिसके बाद डॉक्टर बुक बोलते हैं कि लाइफ में कॉन्फिडेंस ना होना ऐसा ही होता है जैसे एक पावरफुल बर्ड जो आसमान की ऊंचाइयां छू सकती है वो उड़ने से डरने लग जाए, और जबकि कॉन्फिडेंस होना ऐसा होता है जैसे एक कार जिसकी टंकी अनलिमिटेड गैस से भरी है, पेट्रोल से भरी है, जो आप जहां चाहिए वहां लेके जा सकते हो। डॉक्टर वो बोलते हैं कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसके जैसे मैक्सिमम लोग जिनके अंदर बहुत टैलेंट बहुत पोटेंशियल होता है वो भी जिंदगी में मीडियोकर बन के रह जाते हैं और लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। माया पूछती है वो प्रॉब्लम क्या है, डॉक्टर वो बोलते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या फिर बेटर वर्ड्स में लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसके बाद डॉक्टर बुक माया और श्रद्धा दोनों से पूछते हैं कि बताओ कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, या फिर अगर एक इंसान है जिसमें
कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसे तुम क्या बोलोगी, दोनों ने कहा। सेल्फ डाउट, डॉक्टर बुक ने कहा एग्जैक्टली सेल्फ डाउट बोलो, इनसिक्योरिटी बोलो या फियर बोलो। डॉक्टर बुक ने बताया कि चार्ली मंग जो वॉरेन बफेट के मेंटर थे वो एक बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल के बारे में बताते हैं, लॉ ऑफ रिवर्स, जहां पर अगर आपको कोई चीज चाहिए तो उसके लिए आप वो चीजों को पहले करना बंद करो जो आपको नहीं चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको बहुत अमीर बनना है तो वो चीजें जिंदगी में करना बंद करो जो आपको गरीब बनाएगी। ऐसे ही अगर आपको लाइफ में कॉन्फिडेंस अचीव करना है तो आप अपने फियर को खत्म करो, सेल्फ डाउट को खत्म करो। अगर आप अपने फियर और सेल्फ डाउट को खत्म कर लोगे तो आप कॉन्फिडेंट इंसान बनने लग जाओगे। डॉक्टर बुक ने बताया कि कैसे माया के अंदर बहुत सारा सेल्फ डाउट और फियर्स है, और अगर ये फियर्स जब तक उसकी जिंदगी में रहेंगे तब तक वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगी, चाहे कितना भी उसके अंदर टैलेंट और कितनी भी वो मेहनत कर ले। और डॉक्टर बुक ने ये भी कहा कि मैं तुम्हारे सारे फियर्स को खत्म कर सकता हूँ। ये फियर खत्म करने के लिए तुम्हें तीन पेजेस से गुजरना होगा, तीन पेज या तीन कैटेगरी बोल सकते हो, जिसमें से पहला पेज होगा एम्ब्रेसिंग फियर एंड शिफ्टिंग माइंडसेट, जिसमें मैं तुम्हें चार हैबिट्स बताऊंगा। इसके बाद हम फेज टू में जाएंगे जो है टू टेक कंस्ट्रक्टिव एक्शंस, इसमें हम चार हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। और फिर थ्री फेजेस टू ओवरकम फियर, लास्ट हम रेनफोर्समेंट एंड सस्टेनेबल कॉन्फिडेंस इसके बारे में बात करेंगे जो होगा फेज थ्री, इसमें भी मैं तुम्हारे साथ फेज वन एम्ब्रेसिंग फियर एंड शिफ्टिंग माइंडसेट चार हैबिट शेयर करूंगा। और ट्रस्ट मी, अगर ये चार हैबिट्स को तुम अपनी लाइफ में लाना स्टार्ट कर दोगी तो तुम्हारा पूरा फियर फेज टू टू टेक कंस्ट्रक्टिव एक्शंस सेल्फ डाउट खत्म हो जाएगा, और अकॉर्डिंग तुम एक बहुत ही कॉन्फिडेंट वुमन बन जाओगे जिसे लोग पार्टनर बनाने का सोचेंगे जॉब से। फेज थ्री रीइंफोर्समेंट एंड सस्टेनेबल कॉन्फिडेंस, निकाल देना तो छोड़ो ना। ये सुनने के बाद माया के चेहरे पे जो अभी अभी तक सैद था स्माइल आने लगती है, और वो पूछती है डॉक्टर प्लीज आप मुझे बताए, वो एक एक करके। बट डॉक्टर बुक हमेशा की तरह बोलते हैं मैं बताऊंगा, बट उससे पहले मुझे एक प्रॉमिस चाहिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि सी बातें बातें रह जाए, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसे इम्प्लीमेंट करो। इसलिए इन तीन फेसेस को हम तीन अपॉइंटमेंट में कंप्लीट करेंगे, और हर चार हैबिट बताने के बाद मैं चाहूंगा कि तुम प्रैक्टिकली उन हैबिट्स को करो, एक हफ्ता अप्लाई, और उसके बाद आके मुझे बताना तुम्हें क्या चेंजेस दिखे। और प्लस जितनी भी मैं बातें बताऊंगा उसे तुम्हें पेशेंस से सुनना होगा। नाउ इन सारे टर्म्स पे माया और श्रद्धा हैप्पी एग्री करते हैं, जिसके बाद डॉक्टर बुक अपने बुक शेल्फ से एक बुक निकालते हैं जिसका नाम होता है फील द फियर एंड डू इट एनीवे बाय सुजन जेफर्स। डॉक्टर बुक बोलते हैं कि ये जो 12 हैबिट्स मैं तुम्हें बताऊंगा वो मैं इस बुक की हेल्प से बताने वाला हूं। उसके बाद वो कैटेगरी 1 पे आते हैं, जिसमें आती है फर्स्ट हैबिट नंबर 1 एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट योर फियर्स। डॉक्टर बुक बोलते हैं कि सबसे बड़ी गलती जो मैक्सिमम लोग करते हैं वो है अपने इमोशन से भागना। जैसे कि उनके खुद के दोस्त का उन्होंने एग्जांपल दिया, जिसे कोई भी चीज अगर बुरी लग जाती है तो उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता है। बट वो ये नहीं समझता कि जब तक एक इंसान अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो उससे हैबिट नंबर 1 एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट योर फियर्स रिलेटेड कोई एक्शन नहीं ले पाएगा, ना ही अपने आप को इम्प्रूव कर पाएगा। जबकि जो फियर भी है वो एक इमोशन है जिसे सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इसे समझाने के लिए उन्होंने एलिनोर रूजवेल्ट का एग्जाम्पल दिया। एलिनोर रूजवेल्ट वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फर्स्ट लेडी थी अमेरिकन हिस्ट्री में, जिनकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल अच्छी थी, लार्ज ऑडियंस को बहुत अच्छे से एड्रेस कर लेती थी। डॉक्टर बुक ने बताया कि पहले ऐसा नहीं था, रूजवेल्ट स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा डरपक थी, बहुत ज्यादा शाय थी, वो बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस थी अपने आप को लेके। बट वो ये भी जानती थी कि ये चीज सही नहीं, इसीलिए फाइनली उन्होंने डिसाइड किया वो अपने डर को एक्सेप्ट करेगी। वो एक्सेप्ट करेगी कि हाँ पब्लिक स्पीकिंग से उन्हें डर लगता है, लार्ज ऑडियंस के सामने जाने में उनके पसीने छूट जाते हैं। और जब उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट करी उसके बाद से ही मैजिक होना स्टार्ट हुआ। वो पब्लिक स्पीकिंग में अच्छी नहीं बनी, लार्ज ऑडियंस को वो इन्फ्लुएंस करना भी सीख गई, जिसके बाद ही उन्होंने एक फेमस कोट बोला जो बहुत फेमस हुआ है कि डू वन थिंग एवरी डे दैट्स कज यू सिमिलरली। मैं चाहता हूँ आया इस सेशन के बाद ऑफिस जाओगी तो जो भी तुम्हारे सबसे बड़े बड़े डर हैं उन्हें लिखना और उन्हें एक्सेप्ट करना। मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो कभी बोलना ही नहीं चाहते हैं कि मुझे इस चीज से डर लगता है, और क्योंकि वो उस डर को इग्नोर करते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, इसीलिए जिंदगी भर वो उस डर के गुलाम बनक रह जाते हैं। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है, और ये करने के बाद तुम्हें आना है हैबिट नंबर 2 पे जो है रिफ्रेम फियर एज ग्रोथ। मैक्सिमम लोग डर से बहुत डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका डर लोगों के सामने आएगा तो वो छोटे दिखेंगे, जबकि जो सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो लोग फियर को एज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखते हैं। एग्जाम्पल माइकल जॉर्डन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर है ऑल टाइम के। उनकी एक स्टोरी है, उन्हें हाई स्कूल के बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, तो रिजेक्शन का डर तो हर इंसान को होता है, उनको भी था। रिजेक्शन के बाद अगर कोई अंडर कॉन्फिडेंट इंसान होता ना तो शायद वो बास्केटबॉल में घुसता ही
नहीं उसे रिजेक्टेड फील होता और वापस से ट्राई करके रिजेक्ट होने का डर उसके अंदर आ जाता। लेकिन माइकल जॉर्डन का ना माइंडसेट अलग था, उन्होंने इस डर को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी समझी। उन्होंने सिलेक्ट ना होने को फेलियर समझने के बजाय है एक अपॉर्चुनिटी समझी कि कैसे भी उनके अंदर कैपेबिलिटी की कमी है और अगर वो प्रैक्टिस करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो उनकी स्किल्स बढ़ेगी और पक्का उन्हें लोग सिलेक्ट करेंगे ही करेंगे। मतलब बेसिकली उन्होंने अपने डर को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बना दी और गैस व्हाट इस माइंडसेट शिफ्ट की वजह से ही वो 6-time NBA चैंपियन बने। ऐसी माया नेक्स्ट टाइम कोई भी चीज से जो तुम्हें डर लगता है तो तुम ये मत सोचना कि वो डर तुम्हें छोटा बना रहा है, नहीं, वो डर तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है ग्रोथ होने के लिए। मैं एक मेरे दोस्त को जानता हूँ जो बहुत अच्छा गिटार बजाता है। एक बार उसे किसी फंक्शन में गिटार बजाने के लिए बोला गया, तब उसे डर लगने लगा और वो बहाने बनाने लगा कि नहीं नहीं मैं ऐसे सबके सामने नहीं बजाता हूँ। बट उसने भी ये चीज रियलाइज करी कि ये बस उसका डर उसे भगा रहा है, उसे ना बोलने के लिए मजबूर कर रहा है। बट अगर वो जाके उधर परफॉर्म करेगा तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। ये उसके अंदर कॉन्फिडेंस देगा उसे ग्रो होने का। और गेस व्हाट, जब उसने अपने इस फियर को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी समझ के प्रैक्टिस करी, वही एक डिसीजन की वजह से आज ऐसा टाइम है कि वो स्टेज पे जाके भी परफॉर्म कर लेता है। ऐसी माया तुम भी आने वाले हफ्तों में नोटिस करना, वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, वो डर नोटिस करना जिसमें तुम अपने आप को इम्प्रूव करके आगे बढ़ सकती हो। और फिर आना नेक्स्ट हैबिट पे जो है चैलेंज योर नेगेटिव सेल्फ टॉक। डॉक्टर बुक ने बताया कि मैक्सिमम लोग अपने आपको हमेशा नेगेटिव बोलते हैं कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, मैं ये चीज नहीं कर सकता, मैं वो चीज नहीं कर सकता। बट ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए सबसे हार्मफुल है। एग्जाम्पल मोहम्मद अली जो थे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉक्सर्स ऑफ ऑल टाइम है, वो हमेशा पावरफुल पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते थे स्टार्टिंग में। इस चीज के लिए लोगों ने उनको एरोगेंट और बहुत भला बुरा बोला। लेकिन हैबिट थ्री चैलेंज नेगेटिव सेल्फ टॉक। अली कॉन्स्टेंटली अपने आप को ऐसी चीजें बोलते थे कि आई एम द ग्रेटेस्ट, और वही चीज करते थे अपने नेगेटिव सेल्फ डाउट से लड़ने के लिए। ना ये जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक था वो उनका के लिए ना ये जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक था वो उनका कॉन्फिडेंस कोई बूस्ट नहीं करता था, बल्कि उन्हें एक मेंटल एड भी देता था अपने अपोनेंट के सामने। डॉक्टर बुक ने माया से पूछा, माया क्या तुम्हारे दिमाग में भी कभी ऐसे थॉट्स आते हैं कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे निकाल दिया जाएगा? माया ने बोला, हाँ ऐसा कई बार होता है। डॉक्टर बुक ने कहा, ठीक है, ये चीज को तुम सडन चेंज नहीं कर सकती हो, बट मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा और ये तुम्हारा होमवर्क है जो तुम्हें करना ही है कि आने वाले हफ्ते में जितनी बार भी तुम्हें नेगेटिव सेल्फ टॉक आएगा उतनी बार तुम उसकी काउंटिंग करने लग और नोटिस करना कि पूरे हफ्ते में कितनी बार तुमने अपने आप को नेगेटिव चीज बोली है। एग्जाम्पल, आई एम नॉट गुड इनफ, या मेरे से यह नहीं हो पाएगा, मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ। और उन चीजों को तुमको रिप्लेस करना है कि आई एम लर्निंग एंड ग्रोइंग एवरी डे, या फिर मैं कैपेबल हूँ और मैं ये चीज कर लूंगी और वो तुम्हें नेक्स्ट टाइम मुझे दिखाना है। इसके बाद तुम्हें आना है नेक्स्ट हैबिट पे जो है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर चॉइसेस। J.K. रोलिंग जो हैरी पॉटर बुक की ऑथर है, उनको न्यूमरस सेटबैक्स मिले थे, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हुई थी, उनका सिंगल पेरेंटहुड था, उनको पब्लिशर्स ने रिजेक्शन दे दिए थे। बट ये सारी चीजों के होने के बाद भी उन्होंने अपने सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करने के बजाय ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हैबिट फॉर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर चॉइसेस ली कि वो एक अच्छी राइटर बनेगी ही बनेगी, चाहे कितने भी रिजेक्शन मिले। उन्होंने अपने आप को कमिट किया कि वो लिखती रहेंगी, ट्राई करती रहेंगी चाहे कितना भी चैलेंजिंग टाइम आ जाए। और उनका ये जो एटीट्यूड था अपनी चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, परसिस करना, उसने ही उन्हें बिलियर्टी बताया कि उनका एक दोस्त है जो जॉब करता है, बट वो हमेशा कंप्लेन करता रहता था कि कैसे उसका जो मैनेजर है उसका बॉस है, वो लोगों की वजह से वो लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। वो अपने मैनेजर से बहुत छेड़ता था और हमेशा यही बोलता रहता था कि इस एक अकेले बंदे की वजह से मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। बट फिर जब मैंने उसको ये चीज समझाई कि हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी होती है, कुछ बुक के रेफरेंसेस दिए, फिर उसने अपने अंदर ये शिफ्ट लेके आया। उसने दूसरों पे ब्लेम डालने के बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो खुद कैसे बेटर बनेगा और अपने आप को इम्प्रूव करेगा, जिसके बाद उसने अपनी स्किल्स पे इम्प्रूवमेंट लाना चालू करा, अपनी मैनेजर की मदद करनी स्टार्ट करी, जिसकी वजह से ही हुआ ये। वो मैनेजर जिसको वो सबसे ज्यादा गालियां देता था, उसके रिकमेंडेशन की वजह से ही उसे बहुत बड़ा प्रमोशन और बोनसेज मिले। ऐसी ही माया मैं चाहता हूँ आने वाले टाइम में तुम भी अपनी सिचुएशन के लिए, ले ऑफ के लिए या किसी भी चीज के लिए दूसरों को ब्लेम करने के बजाय खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और चॉइस लो कि अब तुम्हें इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, और ये चीज करने के बाद वापस से मेरे पास आओ ना। ये सारी बातें सुनने के बाद माया को काफी चीजें रिलेटेबल भी लगी। उसने नोटिस करा कि हाँ, कई सारे फियर्स जो उसके अंदर है, पहली बात वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करती है, दूसरी बात वो फियर से एक्चुअल में बहुत ज्यादा डरती है, वो खुद अपने आप को बहुत ज्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक देती है। उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आई होगी।
हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मुझे किताबें पढ़ना और जो बातें मैंने उन किताबों से सीखी उनको दूसरों को बताना पसंद है। तो अगर आपको भी बहुत थोड़े समय में बहुत कुछ जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।